हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 3R अबव द अर्थ सरफेस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशो ऑफ जी निकालना हाइट टू सरफेस। क्या फाइंड आउट करना है आपको, निकालना है जी एट हाइट डिवाइड बाय जी एट सरफेस, ये फाइंड आउट करना है। और हाइट कितना देके रखा है आपके पास, 3R। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले फाइंड आउट क्या करना है। ओके, अब फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या निकालना है, जी का रेशियो निकालना है, तो आपके पास जी का फॉर्मूला होना चाहिए। जी एट हाइट और जी एट सरफेस दोनों फॉर्मूले में क्या करोगे, हाइट कितना पुट करना, 3R सब्स्टिट्यूट करोगे, देन डिवाइड कर देना। ठीक है, तो जी एट हाइट का फॉर्मूला क्या है, तो बोल सकता हूं एट हाइट जी एच कितना होता है यहां पे, जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। अब g एट हाइट h पे ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास है, दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा रहेगा, g एट हाइट इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस 2h अप बाय r, ट्वाइस ऑफ h बाय r। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मेरे पास हाइट के लिए ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन h इज लेस देन r, h का वैल्यू वेरी स्मॉल रहे, r से बहुत ही छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, तब ये यूज करना है। इस क्वेश्चन में h का वैल्यू 3R है, मींस h r से क्या है, ग्रेटर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है। अरे क्लियर हो गया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया सर, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें पुट कर कैलकुलेट करता है, ये रॉन्ग है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन योर h इज लेस देन r, h का वैल्यू वेरी स्मॉल है, तब यूज करना है। क्लियर समझ आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशंस पे। ओके, मुझे g एट हाइट का फार्मूला क्लियर हुआ, यही यूज करना है। अब h कितना देके रखा है आपके पास, 3R, तो यहां से कितना आ गया, gh इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r प्लस 3r द होल स्क्वायर। तो g एट हाइट कितना हो गया, इस g एट हाइट इज कितना हो गया, gm, नीचे कितना होगा, r plus 3r is 4r the whole square, squaring कर लेते हैं कितना होगा, g at height is your gm divided by कितना होगा, 4r का square, 4 का square 16 and r square कितना होगा, is result 16r square, that is the first equations, clear, मुझे g at height मिल गया, and, okay, चलो, at surface क्या होता है, एट सरफेस g का वैल्यू, बस ये जो हाइट है, सरफेस पे हाइट कितना होता है, 0, तो ये h की जगह 0 कर लो, तो आपके पास कितना आएगा, सरफेस पे gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये कहां सरफेस पे, ये होगा सेकंड इक्वेशन। मुझे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड किया तो कितना आएगा, g एट हाइट डिवाइड बाय g एट सरफेस इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय कितना आपके पास, 16r स्क्वायर आया। ओके, तो कितना होगा ये, इट इज gm डिवाइड बाय 16r स्क्वायर अपॉन gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर कैंसिल, gm कैंसिल, दैट इज नथिंग बट 1/16। ठीक है, तो यहां से क्या बच रहा है, 1/16, तो g एट हाइट डिवाइड बाय g एट सरफेस, इसका वैल्यू कितना है, 1/16, मींस योर रेशियो कितना आ रहा है, 1/16 कह दिया गया, 1/16 इज आंसर। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर हाइट का फॉर्मूला कौन सा ले, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हाइट के दो फॉर्मूले हैं, उसमें से ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब हाइट क्या रहे, इक्वल टू रेडियस या ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस। ठीक है, या कंसिडर करो जस्ट आसपास, रेडियस के आसपास, बट अगर हाइट इज वेरी स्मॉल, रेडियस से बहुत ही स्मॉल है, तो आपको अनदर फॉर्मूला यूज करना, कौन सा, जी इज इक्वल टू g at height is equal to g into bracket में 1 minus 2h by r। क्लियर समझ में, चलो तो क्लियर हो गया आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग।